एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां हुई थी शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में। यहीं पर शिव और पार्वती ने थामा था एक दूसरे का हाथ। चलिए जानते हैं इस खास मंदिर के कुछ और खास रहस्य के बारे में। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि स्पेशल के इस भाग में आज हम आपको करवाने वाले हैं भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के दर्शन, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहीं से हुई थी महाशिवरात्रि की शुरुआत। चलिए जानते हैं इस खास मंदिर के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को यानी कि मंदिर दर्शन की घंटी अवश्य बजाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से मंदिर स्थापित हैं जो अपने आप में ही बहुत प्राचीन हैं। वहीं भगवान शिव के तो बहुत मंदिर आप लोगों ने देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर के बारे में क्या कोई जानता है? नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। यही वो मंदिर है जहां माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ था, और आज भी यहां इस खास मंदिर में उनकी शादी की निशानियां मौजूद हैं। कहते हैं कि यहां शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी सवर जाती है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के इस मंदिर को शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। इस विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाते हुए उन सभी रीतियों को निभाया जो एक भाई अपनी बहन के विवाह में करता है। कहते हैं इसी कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु ने विवाह संस्कार में भाग लिया था। जी हाँ, आपने सही पहचाना। और वहीं शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। वहीं भगवान शिव को विवाह में उपहार स्वरूप एक गाय मिली थी, और वहां स्थापित एक स्तंभ पर उस गाय को बांधा गया था। बता दें कि वह स्तंभ आज भी उसी जगह पर मौजूद है। विवाह में शामिल होने से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था वह ब्रह्म कुंड यही है। तीर्थयात्री कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर के अखंड धुनि के चारों ओर भगवान शिव ने पार्वती के संग फेरे लिए थे। आज भी इस कुंड में एक अग्नि रहस्यमय ढंग से जलती रहती है। कहते हैं ये वही अग्नि है और यह लगातार जलती आ रही है। कहते हैं इसी हवन कुंड की अग्नि के फेरे लेकर शिव पार्वती ने एक दूसरे को पति पत्नी माना था। संतान प्राप्ति के लिए इस अग्नि का आशीर्वाद लेने के लिए देश के हर हिस्से से लोग आते हैं, और आज तक यह किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर क्यों लगातार उस समय से जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ तब से इस कुंड में अग्नि आखिर किस तरह से जल रही है। उत्तराखंड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है। ऐसे में ठंडी हवाएं और साथ ही साथ बर्फबारी भी होती है, और ऐसे में त्रियुगी नारायण के इस मंदिर में आखिर क्यों यह अग्नि कभी बुझ नहीं पाती। खैर, इसका रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कोई भी प्रेमी जोड़ा अगर इस मंदिर में जाता है, इस मंदिर में जाकर दर्शन करता है, तो उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद मिलता है भगवान शिव और माता पार्वती का। तो कभी भविष्य में अगर आपको इस खास रहस्यमय मंदिर में जाने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी है वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महाशिवरात्रि स्पेशल की इस खास वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।